हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पैकेजिंग इंडस्ट्री से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिफ्थ लार्जेस्ट कैपेसिटी है इसके पास में पॉलिस्टर फिल्म बनाने के लिए ग्लोबली। और जिस तरीके से ये कंपनी जो काम कर रही है और जिस तरीके से आगे इनकी एक अच्छी खासी ग्लोबल प्रेजेंस बनी हुई है, अच्छे खासे इनके पास में कस्टमर बेस बना हुआ है और अक्रॉस 83 कंट्रीज के अंदर, अक्रॉस यूरोप, अमेरिका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फार ईस्ट, एशियन पैसिफिक एंड द मिडिल ईस्ट। और बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी, अच्छा खासा इनका सेल्स, अच्छी खासा इनका टर्नओवर और आगे भी आने वाले टाइम में ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो और सेल आउट होता हुआ दिखेगा, उसकी एक वजह है। तो रीजन क्या है, रीजन मैं आपके सामने रखूं। मार्केट में एफएमसीजी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी है, दूसरी बात कोविड की वजह से एक पैकिंग की डिमांड भी बढ़ी है, कि पैकेजिंग जो प्रोडक्ट रहेगा उसकी डिमांड एक अच्छी खासी बढ़ी है, रेडी टू ईट फूड की डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़ी है, उसमें भी पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है। एंड साथ के साथ हर तरीके का अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको मंगाना है, और जैसे कि अगर कोई भी आपको अगर शॉपिंग अगर आपने की है ऑनलाइन पोर्टल से, तो वो भी एक बाकायदा एक पैकिंग होके आपके पास में वो चीज आती है। तो पूरा का पूरा ये जो सेक्टर है और ये जो कंपनी है बहुत ही अच्छा खासा आगे भी परफॉर्म करती हुई दिखेगी, बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी का आगे एक अच्छा खासा फ्यूचर रह सकता है। पॉलीप्लेक्स अगर देखेंगे तो 33 इयर्स का इसको एक्सपीरियंस है, नंबर वन है बीओपीटी फिल्म प्रोडक्शन में एंड साउथ ईस्ट एशिया में, नंबर सिक्स पे आती है बीओपीटी थिन फिल्म प्रोवाइडर में एंड 75 कंट्रीज में इनकी रीच है, 1950 कस्टमर्स इनके पास में इनसे जुड़े हुए हैं। पॉलीप्लेक्स बेहतरीन कंपनी, सेल्स अगर देखेंगे आप क्वार्टर फोर की तो उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख सकते हैं आप एंड ईयर ऑन ईयर, हर तरीके से परफॉर्मेंस बहुत ही सॉलिड आई है इसकी। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया 51% देख सकते हैं, तो इसमें थाईलैंड 100% जो है PFI इंडोनेशिया एंड PU USA एंड टर्न की, तो देख सकते हैं एक अच्छा खासा इनका जो ग्रुप स्ट्रक्चर है और सब्सिडरी जो है इनकी 100% उन्होंने उनमें या कहना अपनी स्टेक ले रखी है। जर्नी अगर देखेंगे तो कंपनी 1968 में जो है स्टार्ट हुई, उसके बाद में इन्होंने अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड किया, धीरे धीरे काफी प्रोडक्ट इन्होंने बनाने स्टार्ट किया, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज किया है, काफी सब्सिडरीज को इन्होंने जो है अपनी काफी कंपनीज को इन्होंने एक्वायर किया है, देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन कंपनी। 2021 में अगर देखेंगे तो कंपनी न्यू बीओपीपी फिल्म लाइन इन्होंने इंडोनेशिया में ओपन की है, एक्सपेंशन किया है अपनी रिसाइकलिंग यूनिट का थाईलैंड में, एक्सपेंशन किया है इन्होंने ब्लॉन पीपी फिल्म का थाईलैंड एंड टर्न तुर्की में एंड बैच रेजिन थाईलैंड एंड तुर्की में इन्होंने ये भी स्टार्ट किया है एंड न्यू ऑफलाइन कोटिंग लाइन इन्होंने स्टार्ट की है तुर्की में। और उसके बाद में आप देखेंगे 2022 के अंदर इन्होंने न्यू पैट फिल्म लाइन जो है लगाई है यूएसए में। तो कंपनी जिस तरीके से अपने आप को एक आइडेंटिफाई करा रही है मार्केट के अंदर, कैपिटलाइज कर रही है अपॉर्चुनिटीज को और आइडेंटिफाई कर रही है अपॉर्चुनिटीज को, तो आने वाले टाइम में ये कंपनी और भी एक बेहतरीन और एक जड़ जमाने वाली जो कंपनी है, जड़ ऑलरेडी इसकी जमी हुई है और अपनी जड़ों को यह कहना बिखेर रही है ये कंपनी आने वाले टाइम में, और एक सॉलिड परफॉर्मेंस देने के लिए ये कंपनी जो है रेडी हो रही है। सक्सेस अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन कंपनी के पास में मौजूद है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड है, कंटिन्यूअस हाई ग्रोथ है, डिमांड है इनके जो प्रोडक्ट है उनमें एंड स्टेबल अर्निंग है अक्रॉस बिजनेस साइकिल एंड स्टेबल एंड प्रूवन मैनेजमेंट टीम है एंड आप देखेंगे तो ग्लोबल लीडरशिप है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर सिक्स पे आती है थिन पैट फिल्म बनाने में, तो देख सकते हैं आप बेहतरीन कंपनी, सिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इनके पास में मौजूद है, 5 कंट्रीज के अंदर बढ़िया काम कर रही है, ग्लोबल प्रेजेंस अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग कंपनी वाइज ब्रेकअप एंड सेल्स का अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा इनके पास में पॉलीप्लेक्स यूएसए से 26% एंड पॉलीप्लेक्स इंडिया से 24% आता है, तो जस्ट हाफ तो यूएसए एंड इंडिया से ही आता है, थाईलैंड से भी एक अच्छा खासा जो है सेल्स का जो है ब्रेकअप आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स आती है। बिजनेस सेगमेंट अगर ब्रेकअप आप देखेंगे तो थिन पैट फिल्म से 60% का आता है थिन पैट फिल्म के थ्रू। इंडस्ट्री लीडिंग
स्केल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन मौजूद है, देख सकते हैं आप, रेजिंस बेस फिल्म वैल्यू एडेड फिल्म्स बनाने में इनके पास में एक अच्छी खासी एक क्वांटिटी मौजूद है और कैपेसिटी मौजूद है, इंडस्ट्री लीडिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर कंपनी के पास में मौजूद है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स कंपनी के पास में, बढ़िया तरीके से इन्होंने ईयर ऑन ईयर देखेंगे बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है एंड आगे भी परफॉर्मेंस सुधरती हुई नजर आएगी, डिमांड में है इनके जो भी प्रोडक्ट हैं और आगे भी उनमें एक बेहतरीन डिमांड देखने को मिलेगी, तो कंटिन्यूअस हाई ग्रोथ डिमांड रहेगी इनकी आगे आने वाले टाइम में भी, जिस तरीके से ये जो बता रहे हैं और आगे जिस तरीके से इन्होंने स्केलिंग करके दी है तो एक बढ़िया एक डिमांड आगे बढ़ती हुई दिखेगी। प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर्स अगर आप देखेंगे तो रिटेल फॉर्मेट और ई कॉमर्स के थ्रू इम्प्रूव कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते हुए, अर्बनाइजेशन को देखते हुए इंक्रीज कंज्यूमरिज्म एंड इंक्रीज हो रहा है जिस तरीके से एनवायरमेंटल अवेयरनेस, तो आगे एक डिमांड, एक अच्छी खासी डिमांड, सस्टेनेबल डिमांड ग्रोथ आगे देखने को मिलेगी, कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखा रही है कंपनी बढ़िया तरीके से। और आप के सामने मैं प्रोडक्ट के एप्लीकेशन अगर रखूं तो किस तरीके से ये जो है पैकेजिंग के प्रोडक्ट इनके कहां कहां यूज होते हैं, तो 72% पैकेजिंग देख सकते हैं हम फूड के जो प्रोडक्ट हैं उनमें एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स एंड लेवल्स जो हैं, तो देख सकते हैं एक अच्छा खासा एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इन्होंने और 72% की पैकेजिंग वहां से आता है एंड 28% जो है इंडस्ट्रियल से आता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, काउंटलेस अदर्स, थर्मल लेमिनेशन, डिजिटल प्रिंटिंग, तो देख सकते हैं आप एक अच्छा खासा इंडस्ट्रियल सेजमेंट एंड पैकेजिंग सेजमेंट, तो दोनों की तरफ से एक अच्छी खासी इस समय पर मार्केट में एक डिमांड बनी हुई है और आगे भी ये डिमांड एक अच्छा खासा बनी रहेगी, आने वाले साल दर साल ये डिमांड और ग्रो होती हुई दिखेगी। स्ट्रॉन्ग आरएनडी कैपेबिलिटी कंपनी के पास में मौजूद है, एक अच्छी खासी कैपेबिलिटी है आरएनडी, जिससे कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है, ग्रो कर रही है अपने सस्टेनेबल बिजनेस लाइन को। और पॉलीप्लेक्स क्या सस्टेनेबिलिटी की अगर आप बात करेंगे तो एक अच्छे न्यू प्रोडक्ट मार्केट में एक वो एक उतारती रहती है और इन्होंने एक सर्कुलरिटी है, पूरे एक रिसाइकलिंग है, तो पूरा का पूरा जो रिसाइकलिंग करके फिर न्यू प्रोडक्ट बन जाता है, तो ये कंपनी के लिए काफी एक अच्छा खासा फायदा है। और इंडस्ट्री आउटलुक की अगर बात करें तो आगे ये इंडस्ट्री और भी बेहतरीन सुधरती हुई बढ़िया तरीके से नजर आएगी। कुछ प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इंडोनेशिया, यूएसए, इंडिया एंड ओवरसीज में इनके पास में काफी प्रोडक्ट हैं जो कंपनी आगे 2021-2022 में कंपनी जो है कंप्लीट करते हुए देखेंगे, तो आने वाले 3-4 साल के अंदर और भी न्यू प्रोजेक्ट ये कंपनी जो है लगाते हुए दिखेंगे, तो उसमें अपने न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अपना एक्सपेंशन करेंगे, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्रीज करेंगे अपना स्पेशलिटी फिल्म के शेयर को एंड काफी और भी फिल्म लाइंस लगाते हुए दिखेंगे, रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट लगाते हुए दिखेंगे, तो एक अच्छी खासी एक फोकस कंपनी का बना हुआ है जिस तरीके से डिमांड आ रही है उसको कैप्चर करने के लिए, ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए, तो कंपनी यहां से भी एक अच्छी खासी एक रुझान में रह सकती है और एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस यहां से भी दिखाती हुई ये कंपनी दिखेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब जब भी करें तो आप ऑल पे क्लिक करना है बजाय आपको पर्सनलाइज एंड नन पे क्लिक करने के बजाय, तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं तो आपको ऑल पे क्लिक करना है। तो चलते हैं चार्ट की ओर, तो शेयर का चार्ट आप देखें तो आप ये शेयर का देख सकते हैं दमदार शेयर का चार्ट बना हुआ है बहुत ही बेहतरीन, आप देख सकते हैं आप ग्रोइंग फेज में है शेयर का चार्ट जो है और बिल्कुल अपने लाइफ टाइम हाई के बिल्कुल करीब पे ये शेयर का चार्ट जो है खड़ा हुआ है, शेयर का प्राइस जो है देख सकते हैं आप बहुत ही बेहतरीन, कंपनी से एक अच्छी खासी डिमांड देखने को मिली है, शेयर में भी देख सकते हैं आप 300 रुपए का ये शेयर करीब करीब 285-290 रुपए का ये शेयर देख सकते हैं आप करीब करीब 1500-1600 रुपए तक इसने टच किया है, बेहतरीन ग्रोथ बेहतरीन डिमांड देखने को मिली है। और यहां से हम ये वाला जो है शेयर का बेस मान के और यहां से फिर हम चलेंगे ऊपर की ओर, तो देखते हैं कि शेयर में और एक अच्छी खासी डिमांड कहां तक देखने को मिलेगी। तो आप देखेंगे यहां पे ये वाली जो कैंडल्स जो बनी है और इसकी बात अगर की जाए तो फरवरी से जो कैंडल्स जो बनी है एक भी कैंडल रेड कैंडल नहीं है, तो देख सकते हैं कितना स्ट्रांग मोमेंटम है इस शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से और बुलिश ट्रेंड में है अपने शेयर जो है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो नीचे स्टॉप लॉस जो आपको लगा के चलना है वो करिए आपको लगा के चलना है 1375 का, 1375 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस शेयर को 1450 से 1550 के बीच में आप इस शेयर को 100 रुपए के बीच में आप इसको ग्रैब करने की कोशिश करें,
सिप के थ्रू ग्रैब करें, जब भी मार्केट आए तब, जब मार्केट जाए ऊपर तब। तो सिप के थ्रू अगर आप इसको परचेस करेंगे तो आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी आपके पास में एक एवरेजिंग प्राइस, एक बेहतरीन एवरेजिंग प्राइस आपके पास में आ जाएगी, क्योंकि शेयर ऑलरेडी काफी चल चुका है। तो यहां से सिप के थ्रू परचेस करने में एक अच्छा खासा आपके पास एवरेज प्राइस आएगा। मुझे जैसा लगता है आने वाले टाइम में यहां से भी एक से डेढ़ साल के अंदर ये शेयर जिस तरीके से आगे अपने एक्सपेंशन जो कर रही है ये कंपनी, और आगे जिस तरीके से इनकी जो डिमांड रहेगी इनके प्रोडक्ट में, यहां से भी करीब करीब आपको 2500 रुपए तक के टारगेट आने वाले एक से डेढ़ साल के अंदर ये शेयर दिखाता हुआ नजर आएगा, 2500 रुपए के टारगेट। तो यहां से भी करीब करीब 1000 रुपीज की गुंजाइश है कि यहां से ये शेयर ऊपर जाता हुआ नजर आए। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से वीकली ट्रेंड हम एक बार देखेंगे, तो वीकली ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब यहां से भी जो शेयर जो चला है एक अच्छा खासा 700 रुपए से करीब करीब आप देखेंगे तो एक शेयर ने एक अच्छी खासी यहां से डबल कर दिया है शेयर के प्राइस को। तो एक अच्छी खासी इसमें एक रुझान देखने को, अच्छा खासा रुझान देखने को मिला है। तो ये वाला बेस लेके चलेंगे, यहां पर देखेंगे आप तो शेयर ने काफी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहां पे किया है, और इस कंसोलिडेशन के फेस से इसने जो मूव दिया है यहां से लेके चलेंगे तो देख सकते हैं शेयर ने ये अपना रिसेंटली लाइफ टाइम हाई जो लगाया है। और यहाँ की अगर बात की जाए तो करीब करीब ये दो जो कैंडल बनी है, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो आप एक हल्का सा एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। वो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1475 का। 1475 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस शेयर को परचेस करें यहां भी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डे की अगर मैं कैंडल्स अगर आपके सामने रखूं तो डे बाइज कैंडल देखेंगे तो यहीं के यहीं ये फॉर्मेशन हो रहा है, यहीं के यहीं कंसोलिडेशन हो रहा है, नीचे नहीं जा रहा है इसके शेयर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1490 के नीचे शेयर नहीं गया है करीब 4-5 दिन से। तो 1475 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें, और जैसा मुझे लग रहा है कि यहां से और एक इसमें मूव ऊपर का देखने को मिल सकता है, और ये शेयर बड़े ही आराम, और आपको जो बाई जो करना है वो आपको करना है करीब 1500 से 1550 के बीच में, 50 रुपए के बीच में आपको बाइंग करनी है। और यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं जहां पे ये शेयर चल रहा है। तो यहां से मुझे जैसा लग रहा है करीब करीब ये शेयर आपको बड़े ही आराम से 1650 रुपए के टारगेट आने वाले एक से डेढ़ महीने के अंदर ये शेयर दिखाता हुआ नजर आएगा। 1650 के टारगेट, 1650 टू 1680 तक ये शेयर जाता हुआ दिखेगा आपको आने वाले एक से डेढ़ महीने के अंदर। पॉसिबिलिटी है 2 महीने तक तो ये, लेकिन मुश्किल मुझे लग रहा है कि ये पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। और बेहतरीन चार्ट, बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन प्रोडक्ट कंपनी के पास में मौजूद है, डिमांडेबल प्रोजेक्ट कंपनी के पास में मौजूद है। ईपीएस की अगर बात की जाए तो आप ईपीएस देखें 163 की ईपीएस इस कंपनी की, 10 की फेस वैल्यू, एंड आप देखेंगे तो मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है। और मैं आपके सामने कुछ और फैक्ट्स इनके रखूं तो आप देखेंगे यहाँ पे डिविडेंट देखें, रेगुलर डिविडेंट पे कर रही है। 2020 में इन्होंने 3 times डिविडेंट पे किया है, देख सकते हैं डिविडेंट किस तरीके से भरता हुआ नजर आया है, 11, 6, 32, 15, 100, तो अब 100 रुपीज तक डिविडेंट इसका पहुंच गया है। बोनस की अगर बात की जाए तो 2010 में इन्होंने 2010 में बोनस दिया है 1:1 का। फाइनेंशियल्स देखें आप किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर रही है ये कंपनी, प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो रही है। डेप्ट देख सकते हैं किस तरीके से डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, डेप्ट को बिल्कुल कम कर रही है। नेट प्रॉफिट देखें, प्रॉफिटेबिलिटी में देख सकते हैं आप, रेवेन्यू में देख सकते हैं आप, एक अच्छी खासी एक डिमांड देखने को मिल रही है। FIADI के पास में भी एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है मौजूद है इस कंपनी की। ROE की अगर बात की जाए तो 17 की ROE है, और डेप्ट की बात की जाए डेप्ट बहुत ही लेस देन है, बेहतरीन कंपनी। टॉप 5 अगर देखेंगे तो आप टॉप 10 में 6 नंबर पे आती है ये कंपनी ग्लोबली, बहुत ही बेहतरीन अच्छी खासी ये कंपनी, जड़ इसने जमा रखी है, बढ़िया काम आगे भी इससे देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो जरूर आप इसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करें, और अगर आपको इस शेयर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।